हेलो बच्चों, आई एम गुणवंत पटेल फ्रॉम लॉजिक इंस्टीट्यूट और आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक डायपोल का बिहेवियर पढ़ेंगे इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बच्चों, जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख लें और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो पहले सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना बच्चों? अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा, उसके ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। अच्छा, और एक बात हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम ये जो टॉपिक है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो कैसा बिहेवियर बताएगा, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म में रखें तब कैसा बताएगा। इट्स वेरी इजीएस्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहां पे एक छोटा सा डेरिवेशन आने वाला है और वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला भी बनने वाला है वो हम डिराइव करेंगे, ठीक है ना बच्चों? इट्स वेरी सिंपलेस्ट। तो मूव ऑन, देखो ध्यान दो, यहां पे ये जो है ना पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो मैंने पहले ही बताया, देख लीजिए, क्योंकि हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल इसलिए बताया हुआ है क्योंकि ये कौन सा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो हम वो पैरेलल रिप्रेजेंट नहीं करते। चलो, ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल को रखा हुआ। डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू अनलाइक बट इक्वल चार्जेस, अनलाइक चार्जेस है, इक्वल चार्जेस है, दे आर सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, टू ए डिस्टेंस होता है, इसलिए मैंने यहां से सेंटर से ए डिस्टेंस यहां पे बताया, रिमेनिंग ए डिस्टेंस यहां पे बताया, ये भी आपको बताया। अच्छा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, चलो ये भी लिख लेते हैं हम यहां पे, दिस वन इज पी। चलो और थोड़ा ज्यादा नॉलेज लेंगे। अच्छा, और एक बात, व्हेनेवर एनी चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। अगर हम किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर कौन से अमाउंट का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो। इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला, जैसे हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, यू नो दैट। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन डिराइव द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज when it is placed in external electric field, that is F is equals to Q into E. The F is equal to क्या हो जाएगा, QE. Here we can see that F is in the direction of E. Simple सा है, अगर हम F को E के direction से ही represent करेंगे, अगर वो E के direction में है तो यहां पर plus लिखेंगे, अगर E के opposite direction में है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर minus, ठीक है ना बच्चों? अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि सर यहां पे तो दोनों चार्ज है, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, अब फोर्स का डायरेक्शन कौन सा लेंगे, दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है वो तो हमें पता है, बोथ द चार्जेस आर एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिकॉज दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ। अब हम चेक करेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चलो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पता है आपको द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज बिकॉज द फील्ड लाइंस फॉर द पॉजिटिव चार्ज इज कमिंग आउटवर्ड एंड फॉर नेगेटिव एंड टू द नेगेटिव, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर मैं यहां पे किसी पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करूंगा, किसी पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करूंगा, तब आप बताओ कि यहां पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में उसके ऊपर एक्ट करेगा, ये वाला चार्ज कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा,
क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या होने वाला है, रिपल्शन, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होने वाला है, अट्रैक्शन. सो दिस चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है. अगर वो चार्ज का अमाउंट q होगा तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE. अगर वो चार्ज का अमाउंट q1 होगा तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, q1 into E. यहां पे q लिया तो QE. कैसे डायरेक्शन हुआ समझ में आया, ये इतना समझ लो कि द डायरेक्शन ऑफ, अगेन प्लीज ध्यान दो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव चार्ज. मतलब हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज का सिस्टम होना चाहिए, यहां पे कुछ नेगेटिव चार्ज का सिस्टम होना चाहिए. दैट्स व्हाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. अगर मैं ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करूंगा, मान लो आई विल प्लेस द चार्ज प्लस क्यू, दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये चार्ज के ऊपर डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन मिलेगा. देखो एकदम सिंपल है, आप देख सकते हो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करने वाला है, रिपेल. नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करने वाला है, अट्रैक्ट. दैट मींस दिस चार्ज विल मूव इन दिस डायरेक्शन. सो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर मैंने यही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर लिया तब क्या होगा, आराम से आप आंसर दे सकते हो. अगर मैंने किसी नेगेटिव चार्ज को प्लेस किया तो क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. एफ इज इक्वल टू व्हाट, क्यू ई, बट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट्स व्हाई आई विल टेक व्हाट, माइनस क्यू ई. ये माइनस क्यू है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन अपोजिट टू ई. बाकी इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होने वाला है, इसका क्या होगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो क्यू ई, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, क्यू ई. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन आर व्हाट, म्यूचुअली अपोजिट. फॉर द पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर द नेगेटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. तो यहां पे क्या होगा, दिस पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, दिस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो एफ प्लस एंड क्यू ई, क्या लिखेंगे हम, क्यू ई. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन. सो एफ इज इक्वल टू, एफ माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू माइनस क्यू ई. इट इज वॉट, माइनस क्यू ई, ठीक है ना बच्चों. इट्स वेरी सिंपल. लेट अस अज्यूम दैट द डायपोल इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ वे दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा. The dipole moment makes an angle theta with the electric field. Electric field के साथ वो कौन सा angle बना रहा है, theta angle बना रहा है. Let करेंगे हम, ठीक है बच्चों. चलो अब क्या होगा, चलो इतना तो समझ में आ गया कि ये जब dipole को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो उसके दोनों चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगना स्टार्ट हो गया. अब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम. मतलब एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई. सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, एक इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अनदर वन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना बच्चों. अब देखो दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन कैसा है. इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया यहां पर, इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया यहां पे, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसे होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसे होगा. बोथ हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस, बोथ हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन. मतलब ऐसा होगा कि ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है. इट मींस द डायपोल
डायपोल पे ऐसा हो गया कि एक फोर्स यहां पे लग रहा है, एक फोर्स यहां पे लग रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन ये है, ये फोर्स का डायरेक्शन यहां पे होगा, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड बट म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन ऑफ एक्शन? लाइन ऑफ एक्शन इज अ लाइन पासिंग थ्रू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये फोर्स में से जो लाइन पास हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स. अब ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, बोथ आर डिफरेंट. अगर दोनों सेम होते तो बोथ आर लीनियर, कोलिनियर हो जाता. अगर वो कोलिनियर होता तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो ही होगा, बट एज वेल एज टॉर्क इज ऑल्सो जीरो. It doesn't experience any kind of torque. अगर वो कोलिनियर होगा तो, लेकिन अगर यहां पे तो कोलिनियर नहीं है, अगर वो कोलिनियर नहीं है तो इट मींस दे फॉर्म कपल. वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कपल प्रोड्यूस करेगा. यू नो दैट कपल इज अ टू फोर्सेस विथ सेम मैग्नीट्यूड. कपल इज अ टू फोर्सेस with same magnitude but mutually in opposite direction and their line of actions are different, so they produce what? Couple. Agar wo couple produce karega, that means they experience what? Torque. Aise ye wala upper direction, ye downward direction, ye to torque produce ho gaya. It's very simple. Samajhna, yahan pe bhi torque produce hoga, theek hai na? Yahan pe resultant force is zero because the body experience टू म्यूचुअली अपोजिट फोर्सेस विथ इक्वल मैग्नीट्यूड. मतलब दोनों का नेट फोर्स तो जीरो ही होने वाला है, बट नेट फोर्स इज जीरो बट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो. देयर इज सम काइंड ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस इन द दिस डायपोल. समझ रहे हो बच्चों? तो यहां पर उसका बिहेवियर क्या होगा? तो बिहेवियर इज, वी कैन से दैट इट्स सिंपल. आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या आप लिख सकते हो कि हियर लेट द डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ वे दैट द डायपोल मोमेंट पी मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. जो मैं बोल रहा हूं ना वो आप लिख लेना, ठीक है ना बच्चों? और एक बात, फिर मैं सिर्फ की पॉइंट्स लिखूंगा, फिर हम ये लिखेंगे द फोर्सेस एक्सपीरियंस बाय द चार्जेस आर एफ प्लस इज इक्वल टू क्यू and F minus is QE. These forces F plus and F minus are mutually opposite in direction with different line of actions. So, they produce, what? Couple. Simple logic. They produce couple. That means the torque experienced by the, or the torque acting on the. Okay. So the dipole experience or performs circular motion or rotational motion, we can say that rotational motion the net force is zero. So it does not perform translational motion. तो ये हो गया उसका बिहेवियर. But what amount of torque is produced? तो सिंपल सा है. Therefore the net torque
produced in the dipole is tau is equals to, it's very simple, tau is equals to tau 1 plus tau 2, or yahan pe aap likh sakte ho tau plus or tau minus, matlab torque due to positive charge and torque due to negative charge. अब टॉर्क का फॉर्मूला था आपको पता है, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, आर क्रॉस ए, यहां पे आर, आर की जगह पे क्या है ए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए, ये डायरेक्शन हो गया, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब ये तो क्या हो, ए क्रॉस एफ होगा, सिंपल लॉजिक, यहां पे ये माइनस क्यू चार्ज है, इसका ए का डायरेक्शन यहां पे है, ऐसे होगा, मतलब ए क्रॉस एफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस एफ, ए क्रॉस एफ, ए क्रॉस एफ, यहां पे देखो मैं यहां पे बता दूंगा एकदम सिंपल सा है, प्लीज ध्यान देना, ए क्रॉस एफ, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज एफ प्लस ए क्रॉस एफ. ए क्रॉस एफ क्या होगा, ए क्रॉस एफ फ्रॉम ए टू एफ, wrap the fingers of right hand from A to F. The thumb shows the direction of, the thumb shows the direction of cross product. That is A cross F inside. चलो यहां पे कैसा है, इसका टॉर्क नेगेटिव चार्ज लिया वैसे, ये A हो गया ये डायरेक्शन में, ये F माइनस हो गया ये डायरेक्शन में. चलो अब सोचो A cross F, ए क्रॉस एफ, ए क्रॉस एफ इनसाइड, ये भी इनसाइड हो गया, बोथ द टॉर्क इन सेम डायरेक्शन. अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए तब डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, इट मींस टाउ प्लस प्लस टाउ माइनस, टाउ प्लस इज इक्वल टू ए क्रॉस एफ प्लस एंड टाउ माइनस इज ए क्रॉस एफ माइनस. एफ प्लस इज वॉट, क्यूई मैग्नीट्यूड, ये भी हो जाएगा ए क्रॉस क्यू ई मैग्नीट्यूड, सिंपल सा है ध्यान दो, इट्स वेरी सिंपल, ए क्रॉस एफ, ए क्रॉस एफ. सो देयरफॉर टू ए क्रॉस क्यू ई, चलो अब क्या बनेगा, टू ए क्यू क्रॉस ई, you can write like this, 2a cross qe, तो 2aq हम साथ में लिखेंगे, because 2aq is equal to what, p, तो क्या होगा, p is equal to what, 2aq, so 2aq is equal to p, p cross e, because of p is equals to 2aq, this one is torque. You can also, the angle between P and E is theta. Therefore, tau is equals to P E sine theta. Because cross product can be converted in sine theta. Where theta is angle between P and E. Angle between what? P and E, it's very simple concept. तो यहां पे uniform electric field के अंदर उसका behavior क्या था? It performs only rotational motion. It doesn't perform any kind of translational motion. सिर्फ rotate होगा. ये सिर्फ rotate होने वाला है, ऐसे like this. ये rotate होके ये जो electric field के direction में align हो जाएगा, ऐसे align हो जाएगा वो direction. फिर वो आगे rotate नहीं होगा, सिर्फ rotate होगा. ऐसे नहीं होगा कि ये डायरेक्शन मूव होगा, ये डायरेक्शन, ऐसा नहीं होने वाला है. इट डजंट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब लिनियर मोशन यहां पे नहीं हो रहा है, सिर्फ रोटेशनल मोशन हो रहा है. तो ये बिहेवियर लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चों. और वो टॉर्क का अमाउंट क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, अदरवाइज पीई साइन थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन the dipole moment and electric field. It's very simple concept. ठीक है ना बच्चों, copy down.
और कुछ केसेस देखेंगे, अगर ये थीटा 0 होगा, थीटा 180 होगा, थीटा 90 होगा, तो क्या हो सकता है? ठीक है बच्चों, कॉपी डाउन, डन, ओके, पॉज करके कॉपी कर लीजिए. नाउ टेक सम केसेस. इफ फर्स्ट केस, केस वन, इफ P is parallel to E or P is anti-parallel. To E, then theta is equals to 0 or pi. Pi that is what? 180 degree. आप डिग्री में रिप्रेजेंट करो, अदरवाइज आप जीरो पाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. जीरो वाला होगा कुछ ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल, माइनस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू. डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही डायरेक्शन में. और पाई के लिए कुछ ऐसे होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, बिकॉज डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का. और ई तो वही डायरेक्शन में है, देखो म्यूचुअली अपोजिट हो गए. सो हियर थीटा इज इक्वल टू जीरो, हियर थीटा इज इक्वल टू पाई, एंड यू कैन सी दैट टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा. अब थीटा की जगह पे आप जीरो लिख लो या थीटा की जगह पे पाई लिख लो, यू कैन सी दैट साइन जीरो जीरो साइन पाई जीरो. ठीक है ना बच्चों? सो नेट टॉर्क इज व्हाट? जीरो. इन केस ऑफ वेदर द डायपोल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर वो 90 हो गया अगर वो 90 हो गया, मतलब परपेंडिकुलर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, हियर वी कैन सी दैट केस नंबर टू, दैट इज इफ पी इज परपेंडिकुलर टू ई, देन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और वी कैन सी दैट पाई बाय टू. डिग्री या तो रेडियन दोनों में लिख सकते हो. दिस इज इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर डायपोल इज प्लेस्ड, माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस वन इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, सो परपेंडिकुलर. सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी इज साइन 90, and sin 90 is equal to 1, so it gives P maximum torque, tau max. ये क्या हो जाएगा? Maximum torque. ठीक है ना बच्चों? It's very simple concept. तो ये दोनों भी copy कर लो. ठीक है? अगर ये 0 नहीं होगा, 180 नहीं होगा, 90 होगा, 90 भी नहीं होगा, then you can apply the formula P is sin theta. Place the value of theta. ठीक है ना बच्चों? And you will get the answer. Simple सा concept है. तो हमने ये जो behavior देखा, this is the behavior of electric dipole in uniform electric field. अब हम क्या करेंगे? Non-uniform electric field के अंदर उसका behavior देखेंगे. अगर non-uniform electric field के अंदर dipole को place किया जाए, तो वो कौन से behavior रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा बिहेवियर बताएगा? इट्स वेरी इजीएस्ट कॉन्सेप्ट. चलो ये तो पता चल गया कि जब भी हम किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, दैट टाइम इट विल एक्सपीरियंस फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू. वही कॉन्सेप्ट वापस यूज करेंगे. ये वाले कॉन्सेप्ट में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दिमाग में इतना याद रख लो कि ओनली इट परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन, इट डजंट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है, बिकॉज इट प्रोड्यूस कपल.
लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा वो देखो, एक पॉज करके आप कॉपी कर लेना, इट्स सिंपल है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तब क्या होगा, ये यूनिफॉर्म की जगह पे अब आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। इफ द डायपोल इज प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका एक हम जैसे लाइव एग्जांपल भी देख सकते हैं और आपने किया भी होगा। हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, दैट इज अ चार्जिंग का एक कॉन्सेप्ट था, फ्रिक्शन। पता है बच्चों, तब हमने ऐसे वो कॉम्ब को हेयर के साथ ब्रश करके, कॉम्ब या हेयर ब्रश को हमने रब करके पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़े के पास लेके गए थे, ऐसा मैंने बताया था आपको, ठीक है ना बच्चों? आपने शायद घर पे ट्राई भी किया होगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब यहां पे ये मान लो ये कॉम्ब को हम थोड़ा रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिए, और उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि यहां पे नेगेटिव चार्ज है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म, ये नेगेटिव चार्ज से भरा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये नेगेटिव होगा, सो लाइक दिस यू कैन सी दैट टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द इंफिनिटी, वी कैन सी दैट, इट्स वेरी सिंपल। और अगर हम यहां पे ये छोटे छोटे टुकड़े जो रखे हुए कागज के, वो ऐसे समझ लो दे फॉर्म डायपोल, ये हो गया छोटे छोटे डायपोल्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या होगा, सिंपल सा है, देखो अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है इट एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड नेगेटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट, बट द अमाउंट ऑफ फोर्स इज डिफरेंट बिकॉज इट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो रीजन में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट होगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो वैसे यहां पे होने वाला है, मतलब यहां पे कुछ ज्यादा होगा तो यहां पे कम हो सकता है, यहां पे ज्यादा तो यहां पे, मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट डिफरेंट होगा, मतलब ये दोनों चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू ई, अब क्यू तो सेम है बट ई डिफरेंट, अगर ई डिफरेंट हो जाएगा तो एफ डिफरेंट हो जाएगा, सो द बोथ फोर्सेस आर डिफरेंट, एफ प्लस एंड एफ माइनस, बोथ द फोर्सेस आर वेरी डिफरेंट, नेचुरली अपोजिट भले ही होंगे लेकिन दे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मतलब नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एज वेल एज टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों जीरो नहीं है, नेट फोर्स जीरो नहीं है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा है वो डायरेक्शन वो शिफ्ट होते जाएगा, और टॉर्क भी जीरो नहीं है, मतलब वो रोटेट भी होने वाला है, मतलब कैसे बिहेव करेगा। आप देखो ये जो है पहले रोटेट होके ऐसे अट्रैक्ट होके, ये साइड अट्रैक्ट भी होने वाला है, तो ऐसे अट्रैक्ट होके रोटेट होके ये साइड चला जाएगा, मतलब इट एक्सपीरियंस टॉर्क एंड देन ऑल्सो लिनियर मोशन, सो वी कैन से दैट इट परफॉर्म्स हियर द फोर्सेस एफ प्लस is not equal to F minus. Both have different magnitudes. So magnitude को different बता देंगे. Thus F net is not equal to zero. So as well as torque, net torque is also not equal to zero. तो लिखेंगे. Thus It performs translational motion तो होगा, F net is not equal to zero, translational as well as rotational motion, ये दोनों motion परफॉर्म करेगा, ट्रांसलेशनल एज वेल एज व्हाट रोटेशनल, तो ये रोटेट हो गया, आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, रोटेट हो गया आगे चला जाएगा,
ठीक है ना बच्चों, तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ दैट टाइम द नेट फोर्स इज जीरो, सो इट डजंट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, इट जस्ट परफॉर्म रोटेशनल मोशन, एंड इन दिस केस इट द नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एज वेल एज टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो इट परफॉर्म्स रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल, वो रोटेट भी होगा और मूव भी हो क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फोर्स ही नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना बच्चों। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना होगा, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप समझ के कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा डायपोल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो टॉपिक होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम कुछ टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना बच्चों। तो आप जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो अच्छे से कर लीजिए, ठीक है बच्चों, ताकि मेरे सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए, ठीक है, ओके, बाय बाय।